आज दरभंगा इनकम टैक्स चौराहे से रेडियो स्टेशन जाने वाली मार्ग पर ICICI बैंक के समीप 20 सड़क पर DL7CF2245 नंबर की होंडा सिटी कार धू धू कर जल उठा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार में आग लगने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। लोगों के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता राजू सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों से बात कर जानकारी लेने की कोशिश की। एक लड़का का कहना है, जिसका गाड़ी था, उसके दोस्त का कहना है कि गाड़ी कल यहीं ठीक हुआ था और आज ट्रायल में निकला, फिर पूरा गाड़ी खराब हो गया। आज नहीं निकला, गाड़ी कल ही निकला था। देखिए, यहाँ तो बहुत सारे गाड़ी आते हैं काम कराने के लिए, काम करा के गए, अब वो क्या किए नहीं किए उसके तो जानकारी हम लोग को नहीं है। अब रोड पे गाड़ी वो ला के लगाया, आग लगा तो सब भागा है गाड़ी छोड़ के। ये तो गैरेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो कोई गैरेज का प्रॉब्लम नहीं है। कुछ उधर से गाड़ी आया, बहुत तेजी में लेकर आया, टर्निंग पर मोड़ा ना, मोड़ने के बाद यहाँ पर लगाए जैसे, तो गाड़ी में से मोबिल चुरा था और नीचा में हल्का हल्का आग लगा हुआ था। तो उसको हम बोले, बगल में एक टेम्पो भी उसी के सटा के लगाए हुए थे, अपना सोया हुआ था एक लड़का, उसको भी बोले, उसको मालूम नहीं था कि गाड़ी में आग लगा हुआ है, पर उसको बोले। तो फिर कल के बाहर गया, बच्चा भी बैठा था उसमें 2-3 को, बाहर गया गैरेज में, उसको बोले, फिर वहाँ से आया आदमी, सब पानी उनी मारा, मट्टी उट्टी मारा, जब तक तो आग लग गया, बचने वाला कोई संभावना ही नहीं था। आई है झापूपी, आग लगी, आग लगने के बाद गाड़ी यहाँ पे साइड किया है, दो बच्चा था उसमें, गाड़ी ओनर थे, खुद उतर के भाग गए वो। तो हम लोग कपड़े देख रहे बाल्टी वगैरह, उसको जो है हम लोग चाहे कि बुझा दे, लोअर था गाड़ी, उसको जो है तो हम लोग उठाए हैं जग लगा के कि किसी तरह बच जाए। यहाँ से हमें ITI से जो है वो बुझाने वाला होता है वो लाए हैं, उससे भी बुझाए, नहीं कंट्रोल हुआ, तब फायर ब्रिगेड मंगाए।